जब लाइफ में आप खुद का रिकॉर्ड को खुद तोड़ने लग जाते हैं तब जाके आप लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। ये डायलॉग दोस्तों मेरा फ्री वाला ग्रुप का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस को लेके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है, लिंक क्लियरली डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूँ, उस लिंक को जस्ट क्लिक कीजिए और जब ग्रुप पे जा रहे हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो मिलने वाला है फ्री में ना, आप 1000 रुपये, 2000, 10000 भर के भी नहीं मिलेगा। आपके सामने दोस्तों प्रूव है, इस पूरे हफ्ते मैंने 5 के 5 दिन सही ट्रेड दिया। कल के दिन ही आप देख लीजिए 921 पे बोल दिया था, 18,754 के ऊपर अगर निफ्टी निकलना चालू करेगा देन डेफिनेटली हम कॉल बाय करेंगे बोल के। उसके बाद आप देखिए जैसे ही लेवल तोड़ा उसके बाद जो रैली स्टार्ट हुआ, आखिर में आप जाके देखिए दोस्तों डॉट मेरे लेवल को 3 बार सपोर्ट लेके फाइनली निफ्टी ऊपर चला गया। और कुछ भी नहीं है, लिटरली दोस्तों इस पूरे हफ्ते हमने 5 के 5 दिन प्रॉफिट किया और यही प्राउड वाली बात है। आप जाके चेक कर सकते हैं, हर दिन मैं फ्री में लेवल देता हूं। एक्सपायरी के दिन जो हुआ ना वो मेमोरेबल एक्सपायर रहा, क्योंकि दोस्तों आपके सामने प्रूव है 11:22 पे ही बोल दिया था 43,839 के नीचे अगर जाएगा बैंक निफ्टी देन सेल करना बोल के, पुट बाय करना बोल के। उसके बाद आप देखिए जो रैली बैंक निफ्टी ने पकड़ा, 400 पॉइंट का डाउनफॉल और हीरो जीरो का एक मैंने पुट बाय करने को दिया था पेड वाले ग्रुप पे, 43,600 का पुट 17 रुपए पे जो कि चला गया 210, यानी कि पैसा हुआ 12 गुना। और लोग भाई साहब कल के दिन हाईएस्ट प्रॉफिट अगर देखेंगे क्लियरली दोस्तों 66,000 से ज्यादा प्रॉफिट करके रखें। और मंडे के दिन क्या पूरे हफ्ते दोस्तों फिननिफ्टी का क्या व्यू रहेगा ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन है और प्लीज जाके चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्या दिक्कत है, कर दो ना यार, एक ही सब्सक्राइब तो मांगता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और स्क्रीन पे दोस्तों जिनका नाम आ रहा है अजीनाथ भाई का, आज का वीडियो के आखिर में इनका आंसर दिया जाएगा। कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप भी क्वेश्चन पूछिए। डेली में एक क्वेश्चन तो पिक करता हूं, हर दिन 4 दिन हो गया ये चल रहा है, 5 दिन हो गया और आपका आंसर मैं देने वाला हूं। कुछ भी होल्ड किए हैं, कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत आ रहे हैं मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो चलिए सीधे फिननिफ्टी लवर के लिए दोस्तों फिननिफ्टी का एनालिसिस चालू करते हैं। अगले हफ्ते हो क्या सकता है, बहुत आसान है दोस्तों अगले हफ्ते के लिए फिननिफ्टी का व्यू। देखिए सिंपल बात है, 1 डे टाइम पे एनालिसिस कर रहा हूं, वीडियो बहुत छोटा रहेगा लेकिन पावरफुल रहेगा। सिंपल बात है दोस्तों, यहां पे अगर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखा हूं 1 डे टाइम फ्रेम पे, करेक्ट ब्लू कलर का आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर देखेंगे दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं फिन निफ्टी देखिए एक बार इसी ट्रेंड लाइन को टच करके यहां पे सपोर्ट लिया था, यानी कि जर्नी यहां से चालू हुआ था। सेकेंड टाइम देखेंगे डॉट इसी ट्रेंड लाइन को यहां पे टच किया, आप देख पा रहे हैं यहां पे टच किया और देन यहां से कहीं ना कहीं फिन निफ्टी ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर देखेंगे दोस्तों फिन निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा था और अपसाइड का मोमेंट दे रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन हमारा क्या बन गया, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गया 1 डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन कहानी कब चेंज हुआ, कहानी चेंज हुआ दोस्तों 24 मई पे। कौन सा कहानी, अगर देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन को 2 बार टच करके कहीं ना कहीं फिन निफ्टी ऊपर गया था, तीसरी बार अगर देखेंगे दोस्तों डॉट इसी ट्रेंड लाइन को यहां पे ध्यान से देखिए डॉट यहां पे इसी ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं टच किया, 2-3 दिन ऊपर सस्टेन किया, लेकिन अगले दिन जैसे ही गैप डाउन खुला ना देखिए ये ट्रेंड लाइन यहां पे टूट गया। सिंपल बात है, यानी कि ट्रेंड हो चुका है चेंज, क्योंकि देखिए यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है भाई कहीं ना कहीं फिन निफ्टी जो है इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा था और आखिरी टाइम पे क्या हुआ, टच किया, कुछ दिन ऐसे स्पेंड किया और गैप डाउन खुल के ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, यानी कि ये जो अप ट्रेंड है दोस्तों यहां पे जैसे ट्रेंड लाइन टूटा डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है। सेम स्ट्रक्चर दोस्तों यहां पे दिख रहा है, जब से ट्रेंड लाइन टूटा है ना फिन निफ्टी ऊपर जा रहा है ना फिन निफ्टी नीचे जा रहा है, बट सच बताऊं ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। तो अगले हफ्ते का व्यू बहुत सिंपल है, देखिए इतना आपको अभी तक स्टेप समझ में आ गया दोस्तों, ट्रेंड लाइन टच करके ऊपर गया एंड ट्रेंड यहां पे 26 मई के दिन जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा है उसके बाद जरा देखिए दोस्तों ऊपर की नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है, एक ही रेंज के अंदर घूमता फिर रहा है। तो रेंज हमें फिन निफ्टी दे दिया। तो अगले हफ्ते का सिंपल एंड क्लियर व्यू, पहला व्यू कॉल कब बाय करना है, हीरो जीरो के लिए कब कॉल बाय कर सकते हैं, हीरो जीरो के लिए 19,800-19,900 का कब कॉल बाय कर सकते हैं, अगर 19,631 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं अगर कैंडल क्लोज दे दिया ग्रीन कलर का बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देन डेफिनेटली दोस्तों यहां से आपको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। इसके पीछे सिंपल रीजन है, ध्यान से देखिए 19,631 इतना इंपॉर्टेंट लेवल आपने आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत पावरफुल लेवल है। 19,631 लेवल पहली बार 15 मई पे ये हाई मारा था, अगर आप देखेंगे यहां पे रेजिस्टेंस लिया था 15 मई के दिन, करेक्ट यहां से फिन निफ्टी डाउनफॉल दिया। दूसरी बार
अब टच किया 30 में पे, अगर आप देखेंगे दोस्तों डॉट 30 में पे यहां पे टच किया एंड देन अगेन डाउनफॉल। तीसरी बार कब टच किया 8 जून पे, अगर देखेंगे डॉट 8 जून पे यहां पे टच किया एंड देन डाउनफॉल। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा लेवल है जिसको फिन निफ्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार टच करके नीचे आया है, तो ये कंप्लीटली एक रेजिस्टेंस बन चुका है। पूरे दुनिया को दिख रहा है कि यार ये एक रेजिस्टेंस है बोल के, और इसके ऊपर जब तक प्राइस बिल्कुल इस तरह, दोस्तों एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, जब तक वन डे टाइम फ्रेम पे 19,631 के ऊपर बिल्कुल इस तरह वन डे टाइम फ्रेम पे ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज नहीं देता, तब तक आप बुलिश व्यू मत रखिए, क्योंकि अभी अगर फिन निफ्टी का व्यू मैं बोलूं तो बेयरिश जोन में ही खड़ा है। और आपको अच्छे से पता है कि ट्रेंड लाइन टूटा है ना, इसीलिए मतलब क्लियरली बुलिश कहने के क्लियरली बुलिश या फिर बेयरिश नहीं हुआ है। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड शिफ्ट हुआ है डाउनसाइड की तरफ। कंफर्मेशन कब मिलेगा मैं बताता हूं रुकिए आपको, बट बाइंग की तरफ तो क्लियर हो गया, 19,631 के ऊपर हम बाय करेंगे। सेलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर अगले हफ्ते 19,120 के नीचे अगर ऐसे बिल्कुल ही ऐसे वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल क्लोज दे देता है किसके नीचे, 19,120 के नीचे, 19,120 के नीचे, देन ओनली हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, और आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि क्यों मैं दिया हूं ये जोन। यहां पे जरा देख लीजिए, जो ग्रीन कलर का मैं जोन दिया हूं, पहली बार दोस्तों यहां पे भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, आप अगर ध्यान से देखेंगे एंड देन यहां से अपसाइड का मूव दिया। सेकंड टाइम देखेंगे, देखिए डॉट यहां पे भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड देन अपसाइड का मूव दिया। थर्ड टाइम देखेंगे तो डॉट यहां पे सपोर्ट लिया है और यहां से अगर देखेंगे अपसाइड का थोड़ा सा मूव दिया है। तो नीचे तीन बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, बस 19,120 के नीचे कैंडल क्लोज देगा तो हम पुट बाय करेंगे, और हीरो जीरो का भी पुट बाय कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी का, और इसके नीचे आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और कंफर्मेशन ही, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ट्रेंड डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा, 19,120 के नीचे अगर बिल्कुल ऐसे ही वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल क्लोज देता है तो ही कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर अगले हफ्ते इसी रेंज के अंदर रहा तो भाई कुछ भी ट्रेड मत करो, ये इतना वोलेटाइल हो चुका है मार्केट, आपका हालत खराब कर देगा। और देखिए दोस्तों, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, ये तो आपको मोटा मोटी व्यू मिल गया, इतने में व्यू खत्म होता है। फिर भी अगर हम ज्यादा कहीं ना कहीं डीप रिसर्च करें तो यहां पे जरा देखिए दोस्तों फिन निफ्टी का क्या हालत है और आगे क्या हो सकता है, और एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं मतलब जहां भी देगा बड़ा मूव देगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूं, देखिए सिंपल बात है, यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों कहीं ना कि हमारा फिन निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, अगर देखेंगे इसी के आसपास, देखिए ये कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई था, इसको थोड़ा नोटिस कीजिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखिए पहली बार हमारा लाइफ टाइम हाई बना था दोस्तों 21 अक्टूबर पे, कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर पे अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी का कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई बना था, करेक्ट। और यहां से दोस्तों बहुत बड़ा फॉल हुआ था कोरोना के टाइम पे, देन फिन निफ्टी फिर उठा और अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर देखेंगे यहां पे टच करके एंड अगेन गिर गया। तो ये पहली बार रेजिस्टेंस लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था, उसी रेजिस्टेंस को सेकंड टाइम जैसे ही टच किया रिएक्शन दिया और मार्केट नीचे गिर गया। अब यहां पे अगर आप आके देखेंगे दोस्तों तो ना नीचे गिरना है ना ऊपर जा रहा है, यहां पे देखेंगे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है ये जोन को, आप जरा देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम भी दे सकता है। क्योंकि देखिए बहुत ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मान लेते हैं क्या डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम रेड कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, परफेक्ट। तो मार्केट का नेचर पता है क्या है, अगर समझ लीजिए पहली बार ये रेजिस्टेंस लाइक बनाया है यहां से मार्केट नीचे गिर गया, तो सेकंड टाइम जब जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से नीचे आता है, जो कि अगर आप देखेंगे सेकंड टाइम यहां से आया, लेकिन जब थर्ड टाइम जाता है तो डेफिनेटली यहां पे लड़ाई होना चालू कर देता है। क्योंकि एक बार सेलर ने यहां से दम दिखा दिया, दूसरी बार बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर ने दम दिखाया, लेकिन तीसरी बार क्या करते हैं कि बायर फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। और हां, और एक बात देखिए, जो भी रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसे नहीं कि मार्केट यहां से नीचे गिर गया अब मार्केट ऊपर आके इसी रेजिस्टेंस को इसे तोड़ के सीधा ऊपर भागेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। ट्रेडिंग अगर आप जानते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रक्चर बनता है, तो यहां पर अगर एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसी रेजिस्टेंस के पास एक तो थोड़ा अटकेगा, डिप मारेगा, फिर ब्रेक करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसी रेजिस्टेंस के पास, यानी कि एक रेजिस्टेंस है, एक तो
कहीं ना कहीं टच करके डिप मार के फिर कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये होता है कि कंसोलिडेट करने लगता है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, जो कि अभी हो रहा है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होता है, टच करता है, देन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक्युमुलेशन होता है दोस्तों, एंड देन अगेन ब्रेकआउट होता है, तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव देता है, क्योंकि मार्केट ऊपर आया, इसी सेलर के आसपास झगड़ा किया झगड़ा किया झगड़ा किया, फिर फाइट में जीता बायर और ऊपर चला गया, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसी के आसपास देखेंगे, कितना हफ्ता, 1 2 3 4 5 हफ्ता हो गया कहीं ना कहीं कंसोलिडेट चल रहा है, तो इसके ऊपर अगर निकलना चालू कर दिया ना मेरे भाई एक बार 19,450-470 के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, मजा आया कि नहीं बोलिए। अब जल्दी देख लेते हैं हमारा, देखिए अगले हफ्ते का व्यू तो सेट है कि रेंज टूटेगा देन ओनली हम कहीं ना कहीं वार करेंगे। अब जल्दी देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। तो अजीनाथ भाई ने बेसिकली स्क्रीन पे उनका क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने पूछा था कल के दिन, सर सुबह सुबह प्रॉफिट हो जाता है मगर मार्केट क्लोज होने तक मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे कुछ गाइड करो बोल के। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली मैंने कल और एक पर्सन को भी दिया था, आप कल का वीडियो चेक कर सकते हैं। आखिर में आपने जैसे बोला सुबह सुबह प्रॉफिट हो जाता है बट मार्केट क्लोज होने तक मेरा प्रॉफिट सब कुछ चला जाके उल्टा लॉस में ले लेता हूं बोल के, इसका क्लियरली मतलब है लालच। क्योंकि आप अगर खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है मुझे सुबह सुबह प्रॉफिट हो जाता है, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सुबह सुबह 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट में प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन हाथ कहाँ कंट्रोल होता है। क्योंकि पहला तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही सुबह सुबह आप प्रॉफिट कर रहे हैं सीधे के सीधे स्क्रीन ऑफ कीजिए और बिल्कुल भी देखिए मत, आप अपने काम पे लग जाइए दूसरे काम पे। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ऑब्वियस बात है भाई इंसान है, मैं भी हूँ, सब हैं, और ऑब्वियस बात है सबके मन में लालच रहता है। तो अगर कोई इंसान 2,200 अगर मिल गया तो जब स्क्रीन पे देखता है और चार्ट को हिलता हुआ दिखता है तो और मन करता है कि यार 2,000 कमाए और एक ले लूँ क्या और एक ले लूँ क्या, और उसको मतलब एक बार प्रॉफिट होने के बाद क्या है कि आप लोग जब स्क्रीन को देखते हैं तो आपको हर एक कैंडल में ट्रेड दिखाई देता है, ऊपर चला गया हाँ अभी ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे नहीं अभी नीचे आ जाएगा चलो पुट ले लेता हूं, हर एक कैंडल आपको हजारों पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बेहतर है दोस्तों, यहां से क्लियरली पता चलता है कि आप ओवरट्रेड कर रहे हैं, बेहतर होगा सुबह अगर प्रॉफिट मिल गया तो सिंपल बात है लैपटॉप क्लोज कीजिए, बिल्कुल देखिए मत, मेरे ग्रुप को भी म्यूट करके रख लीजिए, देखिए मत, और अगले दिन ही कहीं ना कहीं अगेन कंटिन्यू कीजिए। तो यही मेरा एडवाइस रहेगा और कुछ नहीं, क्योंकि आप अगर 2,000, 1,200, 3,000, 5,000 जो भी कमाने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं और पैसा कमाऊं, तो मार्केट को अच्छी तरीके से पता है कि आपसे पैसा कैसे लेना है। क्योंकि मार्केट अगर एक बार दे दिया तो उसका रिस्पेक्ट करके उसी टाइम ही रुक जाना चाहिए। इवन मेरा ही आप देख लीजिए फ्री वाले ग्रुप पे, मैं थोड़ी ना 10 ट्रेड देता हूं, सिर्फ एक या फिर 2 लेवल 1-2 ट्रेड करो देन स्टॉप, इतना ही दोस्तों बात है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए, यूजफुल क्वेश्चन होना चाहिए। कल के दिन मिलते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका ख्याल कीजिए, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।